प्राणायाम के सत्र में आप सबका स्वागत है। दोनों हाथ जोड़ लें, गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवस्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आपस में हथेली रगड़ें, पलकों का सेक करें, उसके बाद आगे। तो हम आज ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने का प्राणायाम करेंगे। पहला प्राणायाम सहज भस्त्र का प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा लगाएं, अंगूठे के बगल वाली उंगली को टच करें, मुंह बंद करें, सांस भरें। अब धीरे से सांस को निकालें, नाभि पे दबाओ 11 बार, फिर सांस भरें। ये प्राणायाम ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के साथ हमारे वजन को कम करता है, हमारा डिप्रेशन विदा हो जाता है। जिनके नशे करने से नाखून नीले पड़ जाते हैं, पेट में गांठें हो जाती हैं, उन सब गांठों को खत्म कर देते हैं। मुंह बंद करें, सांस भरें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, रक्त परिवहन संस्थान, पाचन संस्थान, हृदय संस्थान को डायनेमिक करने के लिए सहज भस्त्र का प्राणायाम। लंबी आयु के लिए जैसे शेर बंदर भालू को बस में करने के लिए उनको खूंटे से बांधते हैं, कूदता है, भागता है, जब थक जाता है तो बैठ जाता है, ऐसे ही हमारा जंगली मन इस प्राणायाम के अभ्यास हमारे बस में होने लगते। फिर सांस खींचें, जैसे लोहे पे लगी जंग खत्म हो जाती है, ऐसे ही प्राणायाम से शरीर में लगी हुई जंग खत्म हो जाती है। जिनके शरीर में दर्द है, अधिक चीनी खाने से ज्वाइंटों में चीनी इकट्ठी हो जाती है, 70% चीनी ज्वाइंटों में इकट्ठी हो जाती है, इस प्राणायाम के अभ्यास से वो खत्म हो जाती है। बस अब दूसरा प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। मुंह बंद करके लोहार की धोकनी की तरह धीरे धीरे सांस को बाहर फेंक, स्टार्ट। अब लेना नहीं है, फेंकना है। चेहरे पर प्रसन्नता, कपाल भाती प्राणायाम। हड्डी का वह ढांचा जिसमें कपाल प्रदेश सुरक्षित रहता है, जब उसमें कोई विजातीय पदार्थ या कफ या कार्बन डाइऑक्साइड या कई गैसें इकट्ठी हो जाती तो सर में माइग्रेन, एंजाइटी, नींद गायब हो जाती। कपाल भाती प्राणायाम करने से सारी बीमारियां विदा होने लगती। हमारी नाक ही सांस नहीं लेती, पूरा रुआ रुआ स्किन सांस लेने लगती, हमें पता ही नहीं है, पूरी स्किन सांस लेती है। बंद रूम छिद इस कपाल भाती प्राणायाम से खुलने लगती, पेट के समस्त रोग विदा हो जाते। केवल जिनको अल्सर है या कोई ऑपरेशन हुआ है 2 महीने पहले, वो इस प्राणायाम को ना करें। रुके नहीं, करते रहे। चेहरे पर प्रसन्नता का, हम जो भी करते कर्म यहाँ फल पीछे पीछे आता है, पुरुषार्थ काल क्रम में पक्कर प्रारब्ध अटल हो जाता है, इसलिए नियत को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो। धम्मम शरणम गच्छामि, रामम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि।
ध्यान गीता के सूत्रों के भीतर अपने अंदर खिसक जाने का। एक मिनट और श्वास ही श्वास बाहर फेंकने पर ध्यान। जिनको हाई बीपी है वो धीरे धीरे सौम्य कपालभाती करें। बस विश्राम, दो लंबे गहरे सांस, नाक से सांस लें, मुंह से निकालें। अब तीसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, 72,064 नाड़ियों को ठीक करने के लिए, ब्लड में जो थक्के जम जाते हैं उसे ठीक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। दाएं हाथ का अंगूठा दाएं नथुने पे, बगल वाली उंगली मथे पे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस खींचिए, बाएं नथुने से सांस खींचिए खींचिए खींचिए। अब दाएं नथुने से निकाल लीजिए, यानी राइट नॉस्ट्रिल से निकाल लीजिए। अब राइट से लीजिए, लेफ्ट से निकालिए। 21 राउंड कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट रोज अभ्यास बढ़ाओ। एक ही शर्त है इस प्राणायाम की, लेना है तो लेते ही चले जाना, निकालने की जल्दी मत करना। और निकालो तो निकालते ही चले जाना, लेने की जल्दी मत करना। कुछ होता है अनुकूल यहां, कुछ होता है प्रतिकूल यहां। हम व्यर्थ पात से कपते हैं, कुछ फूल यहां कुछ फूल यहां। लहरों को बिटने बनने दो, भीतर चैतन्य न कपने दो। निष्कंपम शरणम गच्छामि, रामम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि। लंबा गहरा सांस, प्राणवायु का स्तर बढ़ाने के लिए। जैसे ही प्राणवायु अधिक मात्रा में बढ़ती, हमारा चित्त शांत होने लगता। इसलिए हमारे ऋषि मुनि साधना करने से पहले, जाप करने से पहले प्राणायाम करते थे, जिससे हमारा चित्त शांत हो जाए और हमारा ध्यान हमारा सुमरन में डुबकियां लगने लगे। बाएं से लिया दाएं से निकाला, दाएं से लिया बाएं से निकाला। बस विश्राम, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। जिनके मुंह लटके हैं ऐसा लग रहा है पूरे विश्व की चिंता आपको ही है, तो जरा लाफिंग कर लें, हाथ ऊपर। सबसे बड़ी प्रार्थना है हंसते रहना। अब हाथ घुटने पर रखो। जिनको थायराइड पैराथायराइड की बीमारी है, उज्जाई प्राणायाम और डायबिटीज वालों को, मोटापे वालों को बहुत उपयोगी है। हाथ घुटने पे, मुंह बंद करेंगे, गले की नसों से सांस खींचेंगे, 10 सेकंड रोकेंगे, फिर निकाल देंगे। एक बार मुझे देखो, रोक लिया, फिर धीरे से निकाल दिया। जरूरी नहीं है नाक पे हाथ रखना, क्योंकि हम आकाश के नीचे बैठे हैं, पूरा प्राण अस्तित्व बरस रहा है हमारे ऊपर। तो हाथ घुटने पर रखो, मुंह बंद करो, गले की नसों से सांस खींचो। वेरी गुड, अब बहुत अच्छा, सभी कर रहे हैं। रोक लो 10 सेकंड 20 सेकंड, कबड्डी नहीं है प्राणायाम, रोकना। अब धीरे धीरे निकाल दो। अब इनको खांसी आई, यानी फेफड़ा बंद था,
अब ये खुल गया, हाँ नाक से। फिर करो, कोई भी माई का लाल सही सांस नहीं ले रहा, डेढ़ से ढाई से सांस ले रहे, फेफड़े में 6000 छिद्र हैं, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्स कब से भर जाते हैं। जो कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है वो भी खत्म हो जाता है इस प्राणायाम। फिर भरो, मुंह बंद, गले की नसों से सांस लेना, रोकना, फिर निकाल देना। फिर भरिए, एक बार और, मूल बंद, रेक्टम की मसल्स भी खींच सकते हैं, उद्यान बंद, पेट की मसल्स, और जालंधर बंद, जिनके सर्वाइकल लगा नहीं सकते, तो ऐसे ही कर प्रारंभ। जब अभ्यास हो जाए तो आप तीनों बंदों का अभ्यास, एक बार और, धीरे से वापस, जो आसानी से हो सके वो है प्राणायाम। ये ग्रस्तों के लिए बहुत सरल प्राणायाम है, हमारे ऋषियों के लिए। अब अंतिम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कान में उंगली लगाना है। जो डिप्रेशन है, जिन्हें बहुत क्रोध आता है, उनके लिए बड़ा उपयोगी। कान में उंगली लगाइए, आंख बंद कीजिए, सांस भरिए, पौरे की तरह गुंजार कीजिए निकालते समय। सभी के मुंह में एक अमृत रस आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भोजन पचता, हमारे ग्लैंड रस छोड़ना शुरू कर देते। इसलिए हमारे माता पिता बुजुर्ग लोग कहते थे, धीरे धीरे खा, मंत्र पढ़ के भोजन कर। अब मोबाइल भी, टीवी भी देख रहे हैं, भोजन भी, भोजन ब्रह्म भी है तो यमदूत भी है, मार भी देगा, इसलिए बड़े धैर्य पूर्वक खाओ, बहुत अन्न देवता है। तो तीन बार ओम का उच्चारण पर समापन, ज्ञान मुद्रा, सांस भरिए, स्टार्ट। शांति शांति शांति, बोलिए। धीरे से आपस में हथेली रगड़िए, पलकों का सेक कीजिए, उसके बाद हम इस संजीवनी काया शोधन संस्थान में आए हैं, राम की शरण आए हैं, राम हमारी आत्मा है। अतीत के क्रोध को खत्म करने के लिए कीर्तन पूरी दुनिया में जिवरिस कराया जा रहा है, अपने अतीत के क्रोध को कैसे निकालें, इससे कैंसर हो रहा है, अधिक तनाव, अधिक बेचैनी, कई बीमारियां पैदा कर रही। तो सभी लोग खड़े हो जाएं, राम का कीर्तन एक प्रेशर पार्ट पे करते हुए करेंगे। चलो स्टार्ट, राम राम एक, राम राम दो, चलते रहो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, जोर से राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम राम बारह, राम राम तेरह।
सजेशन। पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनि जैसे प्रकृति पे यहाँ बीज डाल दो तो वो अंकुरित हो जाता है, ऐसे ही हमारे गुरु लोग ऋषि लोग मंत्र डाल देते थे तो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती थी, गंदे विचार आते ही नहीं। तो हम ऑटो जो सजेशन करो, हाथ ऊपर करो और एक बीज डालेंगे स्वास्थ्य का। बेटे हाथ ऊपर बोलो, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली बन चुका हूँ, मैं दुनिया का सबसे स्वस्थ बन चुका हूँ। डे बाय डे मैं स्वस्थ हो रहा हूँ क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, ओम शांति। धीरे से आपस में हथेली रगड़े, पलकों का सेक करें, हाश माओ सब हाथ शरीर ढीला छोड़ो और हा हा ही हु कर तो हंसना। चलो स्टार्ट। अब हाथ नाभि पे, चेहरे की झुर्रियां और चश्मा चुटा रहे, चलो शोर से। अब पंजाब के बड़े बड़े गिलास पकड़ो, चलो क्या करना है, दही गुलाब जल जरा झोड़ना, इधर आ जाओ, चलो अब हास्य महोत्सव। गंगा मैया में हरिद्वार गए स्नान करने, कपड़े उतार के रख दिए, उसमें चींटियां घुस गई और आपने पहन लिए, आप उन्होंने काटना शुरू किया, खुजली करते हो अब हाथ ऐसे पवन शुद्ध हनुमान जी की हंसी, एक एक सेब घुसा दिया मुंह में, पवन शुद्ध हनुमान जी को फल है, फल खाओगे हल्के पतले हो जाओगे। तो हाथ ऐसे करो, मुंह खोलो, मेरा बापू डंडा लेके जबरदस्ती हंसा रहा है, हंसते नहीं है, जो हंसेगा पूरे दिन हंसता रहेगा, जो सुबह रहेगा पूरे दिन रोता रहेगा, चलो मुंह खोलो। अंतिम लाफिंग एक ऊपरेसरी हंसी, ताली बजा के एक दूसरे का चेहरा देखो, जिंदा परमात्मा बगल में खड़ा है। चलते अब दोनों हाथ जोड़ो, सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करो, बगल में जिंदा परमात्मा से बोलो राम 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 राम। शुभ प्रभात, मंगल में हो। अब सूर्य दर्शन, एक बार जरा सूर्य भगवान आपको देख रहे हैं, बोलो गुड मॉर्निंग सूर्य, गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग आकाश। अब ऐसे देखना, सूर्य आपको देख रहे हैं, आप नहीं, इनकी बेब आपके बीमार अंग को हील कर रही है।
जैसे दादी माँ रजाई को अचार को बाहर रखती थी, फफूदी लग जाती थी, वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी सुबह से शाम तक, ऐसे इस शरीर में भी फफूदी जंग लग गई है। सूर्य के साथ बैठने से सारी बीमारियां विदा हो जाती, सूर्य स्नान। अब आंख बंद कीजिए और देखिए कुछ रंग में परिवर्तन हो रहा है, यही तेरी आत्मा है, नीला पीला गुलाबी। जैन फकीर कहते हैं असली चेहरा देखते हैं। अब एक फिर आंख खोलिए, एक बार फिर देखिए, ये जीवित परमात्मा हमारे सामने है, सूर्य हमारा आलिंगन कर रहा है, वायु देवता आकाश पूरा अस्तित्व आपके ऊपर बरस रहा है। ये आकाश खाली नहीं है, आकाश ही परमात्मा है। अब आंख बंद कीजिए और देखिए रंग में हो रहे परिवर्तन, सातों चक्र हील हो गए। ये गिफ्ट मिल गया आपको, दोनों हाथ जोड़िए, सूर्य को प्रणाम कीजिए।